वाह 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 वाह, खुशखबर, सुमड़ी में सुपर बाइक ले रहे हो, क्या बात है, हमें बताया भी नहीं जेनित, क्या है ये सब? खुशखबर प्लस बुरी खबर भी। बोला नहीं, एक हफ्ते पहले मैं सुपर बाइक ली बिकॉज़ मेरे भाई को चाहिए थी। आई बॉट अ डुकाटी डियावेल। एक हफ्ता चलाई, मस्त चलाई, बट एकदम से थोड़ी आवाज आने लगी एंड देन आई गॉट टू नो कि सेकंड हैंड ली थी ऑब्वियसली, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आई कुडंट टेक इट फर्दर बिकॉज़ डुकाटी का एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। सो आई गॉट इट एक्सचेंज्ड एंड अच्छा, तो वो वापस दे दी है? वापस दे दी, तो अभी दूसरी सुपर बाइक आएगी। तो वो किधर है? It will take time, 6 to 7 days, but बताऊंगा नहीं कि वो कौन सी है। वो भी धीरे-धीरे suspense build कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा scene है। Okay guys, welcome back to our channel. हमें पता है हम लोग व्लॉग ज्यादा नहीं डाल पा रहे, बट इतना कंटेंट डाल रहे यार, यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स काफी अपलोड हो रहे हैं, शॉर्ट्स का नया चैनल 5 मिलियन होना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो हम हर बार व्लॉग नहीं बना पाते, बट जब हमें कुछ नया और ऐसा अतरंगी होता है हमारी जिंदगी में तो हम लोग व्लॉग जरूर बनाते हैं। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कुछ नया लेते हैं, जैसे भाई ने अभी सुपर बाइक ली, और आपको तो पता ही है कि हमारे घर में जब भी किसी की कार या बाइक या कुछ भी आती है तो हम थोड़ी बैंड तो बजा ही देते हैं ना। तुम्हें तो पता ही है बलेनो की इसने मारी थी, फिर एक्सयूवी की मैंने इसकी मारी थी। एक सेकंड, तो मैंने तेरी बलेनो की मारी है, तूने मेरी एक्सयूवी की मारी, तो बदला हो गया ना, लाइक वी आर इवन। तो अभी तू वापस नया झगड़ा चालू कर रहा है। दिस इज फॉर द ऑडियंस, दे वांट टू सी। आप देखना चाहते हो ना कि मैं इसकी सुपर बाइक पे विली विली मारूं, उसकी अच्छा वाली नहीं दूंगा, कोई डुकाटी वाली भी नहीं दूंगा। देखो गाइस, आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं। आप चाहते हो ना, कमेंट में बताओ, मैं बजाऊ ना थोड़ी थोड़ी बैंड इसकी बाइक की? नो बच्चे, कभी आ रहा है बता, मेरे ना हाथों में खुजली आ रही है ऐसे करने की। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे को चाबी देने वाला ही नहीं, तुम लोग साले बाइक की बैंड बजा के छोड़ोगे, बर्नआउट वर्नआउट करोगे, टायर वायर फट जाएगा। बच्ची बर्नआउट तो मैं करूंगा, क्या बर्नआउट करूंगा? वो ठीक है, तेरे बाल क्यों व्हाइट हो रहे थे? व्हाइट हो रहे तो क्या हो गया, पहली बार देख रहा है क्या? हाँ मतलब पहले तू डाई वाई कराता था ना, अभी नहीं कराता है क्या? अबे डाई मैं कराता था 2-3 साल पहले, 2 बार ही कराया था, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। बुड्ढा हो रहा है भैया, शादी कराओ इसकी, बाद में मिलेगी नहीं लड़की। बुड्ढा हो रहा है मतलब, अरे यार ये सब, तू इधर कैमरा ला। देखो गाइस, मैं 28 साल का हो गया हूँ एंड आई हैव एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मेरे को ग्रे हेयर आ गए, इट्स फाइन, आई एम ओके विद एजिंग, बट अगर उम्र से पहले या फिर मुझे अभी से ही हेयर लॉस होने लग गया ना, तो आई विल बी वेरी वरीड, बिकॉज हेयर लॉस का रीजन कैन बी इंटरनल। तो हेयर लॉस के ना स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम 1 to 7। इन द इनिशियल स्टेजेस टिल द स्टेज 4 इट्स वेरी मच क्यूरेबल, बट अगर आपका जो हेयर लॉस है वो स्टेज 5 या उसके आगे गया ना, तो फिर नेचुरल ट्रीटमेंट्स वोंट हेल्प। बट अगर आपका हेयर लॉस स्टेज 4 के अंदर आता है तो इट्स वेरी मच क्यूरेबल विद नेचुरल ट्रीटमेंट्स, बट हाँ शैम्पूज वोंट हेल्प बिकॉज इसका इंटरनल रूट कॉज होता है विच नीड्स होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स लाइक त्राया। तो आई रिसेंटली केम टू नो दैट त्राया हैज दिस ऑनलाइन हेयर टेस्ट जो आपके बालों का रूट कॉज और हेयर फॉल का स्टेज डिटरमाइन करता है और उसके हिसाब से एक अच्छा सा कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बताता है। इनफैक्ट 2.5 लाख से ज्यादा इंडियंस ने 5 महीनों में अपने रिजल्ट्स देखे त्राया के साथ और इनका 93% तक का सक्सेस रेट है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर डॉक्टर्स को लगा ना कि भाई आपका हेयर लॉस थोड़ा ज्यादा सीवियर हो गया है, स्टेज थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो लोग सीधा आपको बोल देंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है एंड दैट्स व्हाट त्राया डस। सो इफ यू और एनीवन अराउंड यू इज फेसिंग हेयर लॉस प्रॉब्लम, चेक आउट त्राया विद दिस 3 सिंपल स्टेप्स। त्राया.हेल्प पे जाके अपना फ्री हेयर चेकअप कराओ, अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदो, दिए गए डाइट प्लान और कोच के मदद से 5 महीनों में रिजल्ट्स देखो एंड यूज आवर कोड DS20 टू गेट एडिशनल 20% ऑफ। और फटाफट जाओ, ये ऑफर सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। Room, 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 room. Finally, the day is here when we tell our people something. क्या congratulations, congratulations. क्या हो गया? क्या बात है, बेटे ने सुपर बाइक ले ली, अब तो आपको डीमार्ट सुपर बाइक पे लेके जाएगा। रूम रूम, देख भाई काम की बात पे आते हैं, अब हमारी बारी है, राउंड तो लगेगा। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? ये रहा? हाँ, ये है, पहले जेब में डाल चाबी, जेब में डाल। बोलने देगा तो बोल लेना फिर, मतलब मेरे को बोलने नहीं दे रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इनकी चाबी ले ली ना बस, अभी बोल ना, जो बोलने का बोला अभी, कुछ नहीं। कैमरा चालू होगा तो पीपी पूरा ऐसा हिलने हिलने लग गया। तो सुपर बाइक ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत मन था, मेरा भाई केशव जो है बोलता है एक सपना बचा जिंदगी में कि मेरे को घर में सुपर बाइक चाहिए, उसका बर्थडे भी था, मैं बोला कि ले 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 ले। केशव की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, 10 बजे तक उठता नहीं,
वो ड्राइव करने के लिए घर से 4 बजे निकल गया सुबह. उठ के नहीं गया होगा वो, सोया ही नहीं होगा रात भर एक्साइटमेंट में. वही बात है, बाइक का चाबी ले लिया हम लोग, चलते तू भी हम लोग चलते. सुन तो सही, तूने मेरे एक्सयूवी के साथ किया था, आपको याद होगा कि एक्सयूवी का तूने पीछे बर्नआउट किया, ये सब किया. प्लीज बाइक में मत करना, बिकॉज गाड़ी फिसलती नहीं है और फिसल के तू गिर नहीं जाएगा. शुरुआत किसने की थी बर्नआउट की? तो मैंने शुरुआत की, तूने खत्म कर दिया. खत्म नहीं किया, वी आर इवन नाउ. कैसा तेरा? मैं अभी तेरा बर्नआउट करता हूँ, उसके बाद मैं जब मेरी साइकिल लूंगा तब तू कर लेना बर्नआउट. मिली मिली मार लेना. तू समझदार है ना, वो तो बच्चा, तू शादीशुदा है, वो जो करेगा वो तू थोड़ी करेगा. बोलती है मेरा बेटा स्मार्ट है, मेरा बेटा स्मार्ट है. आज अपनी सुपर बाइक बचाने के लिए मेरे को स्मार्ट बोल दिया. स्मार्ट नहीं हो इसलिए अभी तक शादी नहीं की. मेरे हाथ में तेरा फोन है. प्रॉमिस करो बाइक पे बर्नआउट बनो, फालतू गिरी नहीं करोगे, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव. ये बाइक मेरे से ज्यादा मेरे भाई को पसंद है. विल यू फेस हिम? मैं बर्नआउट करूं, मैं व्हीली मारूं, मैं फ्रंट व्हीली मारूं, मैं कुछ भी करूं, मैं हवा में गाड़ी उड़ाऊं, गाड़ी को कुछ भी हो तो भर चुक मेरे पे, मैं करूंगा सब. हियर इज द बाइक. खड़ा कह रहे हो अच्छी, कैसा लगेगा जब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. नहीं रे पागल है क्या, बैंड बजाऊंगा इतनी प्यारी, खाली चलाऊंगा बस, चलेगा. स्केट वेट हो जाएगा थोड़ा, क्या उसमें क्या ही होने वाला है. थोड़ा इसकी मीठी मीठी सुरीली आवाज सुनी जाए. भाई बंद बंद कर दे, मेरा 20 रुपए का पेट्रोल वेस्ट हो गया. कितना एवरेज? कितना एवरेज की बात करते हैं, एवरेज कितना देती है? 12-13 पर लीटर कर रहा है, वो भी हाईवे पे. हाईवे पे ज्यादा लेके गया नहीं, मतलब अगर मैं दोनों का पकड़ू, हाईवे पे भी और यहाँ का भी, अभी तक का मेरे को 12.5-13 तक का दिया. इसलिए आजकल इसका थोड़ा गरीबी दिख रहा है, कपड़े वपड़े कैसे पहन रहा है, सब पैसा इसमें जा रहा है लगता है तेरा. देख ले लास्ट बार गाड़ी को. तो आई हैव बॉट निंजा 1000. और भाई ने पहले इधर लिख दिया, लिखा क्या लिखा है? डोंट टच. लोग मस्ती करते हैं पार्किंग में, ऑब्वियसली लोग ऐसा आते हैं, ऐसा 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 फुल करके जाते हैं, मतलब मैं भी करता था ना पहले. अच्छा इसने सोसाइटी में ही चलाया, मतलब ज्यादा भगाया नहीं होगा. आई एम ग्लैड. ब्रेक 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 ब्रेक. क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ज्यादा बाहर जा नहीं पाए, हेलमेट तो दे तो मैं बाहर जा पाऊंगा ना, अभी तो सोसाइटी में राउंड मार के आ गया. हेलमेट किधर है भाई? देखो हेलमेट का इतना मेरे भाई ने सेक्सी चीज किया ना, मैं तेरे को बता दो. जब मैंने प्रथमेश को ये सेम चीज बताया तो प्रथमेश बोलता है सबको पता है, बट हम लोग के लिए बहुत नया है. तो जब मैंने ये हेलमेट का चीज प्रथमेश को बताया तो वो बोलते हैं तो सबको पता है, बट मेरे लिए ये बहुत नया एक्सपीरियंस है एवरीथिंग. ये सुपर बाइक हेलमेट हेलमेट. तो आई टेल यू वन थिंग, ये बता रहा हूँ, मैं भाई ने एक डिवाइस मंगाया, ये डिवाइस के साथ एक स्पीकर आया था और एक माइक आया था, जो ये रहा माइक दिख रहा है माइक. तो बेसिकली व्हेनेवर यू गो ऑन अ राइड यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ टू अदर राइडर्स. मतलब इस पे ब्लूटूथ है, वो तू किसी और से कनेक्ट कर सकता है, उसको बोल सकता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, रुक रहा हूँ. यू कैन आंसर द कॉल, यू कैन टॉक टू देम. तो अंदर स्पीकर भी है जहाँ से आपको आवाज आ सकती है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. चलो साथ में चलते हैं, तुम लोग एक्टिवा पे मेरे पीछे पीछे आओ, पता चलेगा कैसा फील होता है. अच्छा अच्छा वाला, तो फुल चिपक के रहता तेरे सर को. आराम से पट्टी है ताले. भाई साहब हम लोग को जान पूछ कर ये वाले रास्ते पे लेके आया है ताकि बोले थोड़ा खाली रास्ता मिले और थोड़ा भगा सको. हाँ तो अभी क्या प्लान है तेरा? अभी देख इधर तो तुम लोग मेरे को पकड़ नहीं पाओगे, तो आई विल ऑब्वियसली ड्राइव रिस्पॉन्सिबली. मैं भी चलता हूँ ना साथ में, अकेले क्यों जाएगा, मैं हूँ ना.
पीछे बैठेगा मैं ऐसा टेक ऑफ करूंगा तो उड़ जाएगा। आई विल होल्ड यू अच्छे से एकदम ऐसा बाइक पे ऐसा ना बाइक पे ऐसा पकड़ दे चाचा बिकॉज आई कैन नॉट लेट यू गो अकेले समझ रहा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। चलो ठीक है चलो तो वेलकम टू ध्रुव मोटो व्लॉगिंग वी गोना नाउ गो एंड आई हैव माय डीओपी श्याम शर्मा विद अस कम ऑन हॉप ऑन अपॉन बाइक है मतलब ऐसा थोड़ी उड़ाने का कितने एक्सीडेंट होते भाई तो नहीं उड़ाया ना आराम से चलाऊंगा खाली कहीं स्लो लेके खाली स्टेट मार दूंगा तो थोड़ा क्या मेरा हो जाएगा ब्लॉक का बाकी मेरे को कोई ये पूरा इसका मोटिव खाली ब्लॉक का है कि इसकी बाइक की माँ बहने कर रहे हैं टायर का एक बार बर्नआउट तो मारना है एक बर्नआउट बस इसीलिए मैं पीछे बैठा हूँ ताकि बर्नआउट ना हो और एक चीज सीखी है जब पीछे बैठता है ना तो भाई अलग ही फटती है इसलिए जब भी जिसको पीछे बिठाए वो लोग बोलते हैं आराम से चला मैं बोला आराम से तो चला रहा हूँ बड़ा भी समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं आराम से चला भाई लगता है सुपर बाइक बहुत फटती है मैं तो ज्यादा चला ही नहीं पा रहा था पहले तो मैं इधर से भगाया फिर रास्ता चालू है ना अच्छा भगाया सामने से दो बाइक आ रही है ये एक्चुअली वन वे करके रखा है तो मैं ना भगाया मैं 85 पे था और उसके बाद ब्रेक मार रहा हूँ लग रहा है ऑब्वियसली पर मेरे को ऐसा लगा अभी ब्रेक नहीं लगेगा और मैं ठोक दूंगा तो उसके बाद मैं भगाया ही नहीं जितना लगता है सुपर बाइक है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाना भी पड़ता है वरना सीन ऐसा है ना तेको मालूम नहीं पड़ता कब तू 150 पहुंच जाएगा कब 200 पहुंच जाएगा सो यू हैव टू टेक कंट्रोल और इतना इजीली भगाने को मजा आता है तो अपन इजीली करते थे पर जब रोकना पड़ता है ना तब पट्टी है बिकॉज अपने को ऐसे ब्रेक्स की आदत नहीं है तो अपन कैसे भी ब्रेक मार देंगे और स्किट हो सकता है तो बहुत ध्यान से एक्टिवा से निंजा 1000 बहुत ज्यादा जंप हो गया इट वाज फन इट्स अ गुड राइड एक बार अभी हाईवे लेके जाना पड़ेगा तो माफ कर रहा हूँ देखो नहीं मार रहा हूँ थैंक्स एंजॉय अभी मेरी जब आएगी ना हाया भूसा तो तेरे को भी मारने नहीं दूंगा बर्नआउट जूसी राइड We are having some juicy coconut water. तो अभी तो तुम भी भाई संडे को हाईवे पे ऐसा राम रूम 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 करके निकलोगे क्या बोलते हैं उसको साथ में जो चलता है कॉन्वॉय बाइक्स का कॉन्वॉय नहीं मेरा भाई तो जाकर आ गया एनीवेज मैं अपन बैंगलोर में था ना तभी गया था मैं भी जाऊंगा बहुत जल्द मतलब मैंने गियर वेयर खरीद लिया है बाइक का नहीं गियर जो कपड़े पहनते हैं ना उसको गियर बोलते हैं कुछ मालूम नहीं देखो गियर मतलब क्या होता है वो गियर नहीं होता है गेयर मतलब बाइक का गेयर ऐसा कपड़ा सब सिखाना पड़ता है इसको बाइक का सूट वो सब खरीद लिया है व्लॉग करना है क्या मतलब तू करना मोटो व्लॉगिंग आई कैन ट्राई मतलब एमेच्योर लेवल से आई कैन ट्राई लेट्स सी आई ट्राई तुम लोग बता दो ना कमेंट में तुम लोग को चाहिए क्या ही डू द मोटो व्लॉगिंग एंड टीच यू हाउ टू नॉट डू अ मोटो व्लॉग ना ऐसा कुछ वीडियो बनाना हाउ टू नॉट आई डोंट हैव टू टीच देम वो लोग मैं खुद ही बता देंगे कमेंट्स में कि भाई आप नहीं कर सकते तो चलो बढ़िया है अब शाम आपको मिलेगा अगले व्लॉग में जहाँ पर ये मोटो व्लॉग करेगा टिल देन हमें बाय बोल दो और इस प्यारी निंजा को बाय बोल दो